भाई 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 भाई, यहाँ पर कैमरा सेट ही नहीं हो रहा। मैंने ना अपनी लाइफ में शायद से 2 मिनट यहाँ पे सेट हो जाएगा पहली बार। हाँ पहली शायद से क्या सही में जेन्युइनली पहली बार i10 के सिवा कोई और गाड़ी पहाड़ पे चढ़ाई, जो कि थी मेरे मामू की ऑल्टो। एंड कसम से बता रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा मजा। मैं ना कल अपने कॉलेज गया था ना, अपने क्या कॉलेज सेंटर गया था। 2 मिनट, हाँ ये फ्रेम ठीक है। तब ना गाड़ी चलाते चलाते रास्ते में क्या हुआ, ये निकल गया। ये जो ये गाड़ी के साइड मिरर मतलब शीशे के ऊपर लगा हुआ होता है, लेफ्ट और राइट साइड में, मतलब जो शीशे होते हैं उनके ऊपर लगा होता है बारिश से बचने के लिए। वो ये दगड़ 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 आवाज करी, जो मेरी फट गई। मैं कहा क्या हो गया गाड़ी को, टायर गया, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि ऐसे 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 लटक रहा था। मैंने देखा यार ये तो ये चुप सॉरी सॉरी ये तो सी आपा है। तो मैंने सबसे पहले उतरा गाड़ी से, इसको पूरे प्रॉपर तरीके से निकाला। एंड भाई अब इसको जोड़ना भी जरूरी है क्योंकि ये पैसेंजर साइड का है। एंड ठीक है भाई, जरूरी है। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपको एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। बट मेरे को ना इसको निकालते निकालते एक दिक्कत हो गई थी, बीच के ना टुकड़े दो हो गए थे। अब अगर तो ये देखो लग जाता है फिर तो ठीक है, अदरवाइज अपन नया लगवा लेंगे एंड वो नए चारों ही चेंज होंगे, वो भी कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। बट अगर इन केस ये जुड़ जाता है ना, वो फार 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 बेटर रहेगा। तो फटाफट इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर जुड़ता है वेल एंड गुड है, नहीं जुड़ता तो वही क्या ही कर सकते हैं। अगर अपन लोग इस हल्के से क्रैक को इग्नोर मारे तो भाई जितना परफेक्ट और जितना फ्लॉलेस ही हो सकता है हो ही गया यार, मतलब मस्त हो गया यार। कुछ ये जो टेब है ना भाई, ये पता नहीं कितने टाइम पहले अपन लोग किस चीज़ के लिए लेके आए थे, बट ओवरऑल जितने अच्छा आई एम हल्कू को जोड़ने के लिए लेके आए थे इस नादान परिंदे को, एंड बहुत काम आ रही है, बहुत बढ़िया चीज़ है। नॉर्मल बोर्ड थे टेप से 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है ये। बट एट द एंड सबसे बढ़िया बात ये है, अभी अपन लोगों का इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो काफी फ्लॉलेसली कंप्लीट हो चुका है। एंड ऐसे अपन लोगों के आज के बाकी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, उसके लिए अपन लोगों को जाकर नहाना धोना पड़ेगा। तो फटाफट चलते हैं, चल के बढ़िया तरीके से नहा धोना निपटाते हैं एंड तुम लोगों को आराम से नहा धो के मिलते हैं। यार एक तो ना मेरे को कसम से प्रोग्राम्स का नहीं समझ में आता, मतलब इतने ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज होते हैं, इतने ज्यादा कहने की हद नहीं। अभी तक थोड़ी देर पहले तक तो ये था अपन लोग आराम से अपने घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के चिल मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे आज। एंड अभी भाई वीकेंड करके अपन फैमिली का बनाया प्रोग्राम, एक छोटी सी रोड ट्रिप पे जाने का टूवर्ड्स मोरनी, कहीं बड़ी सी जगह ढूंढेंगे, रास्ते में अगर कहीं बड़ी ऐसी जगह मिली वहाँ पर आराम से अपना लंच करेंगे, आराम से बैठेंगे एंड फन चन मारेंगे। एंड भाई अनएक्सपेक्टेडली प्रोग्राम बनते हैं अपन लोगों के, कसम से पता नहीं लगता कब कब सेकेंडों में प्रोग्राम बन जाए। एंड बड़े टाइम बात तो नहीं, लास्ट अपन लोग जब हिमाचल गए थे, मतलब कालका वगैरह गए थे पिकनिक पर, तब ड्राइव करी थी मैंने। उस बात अब जा नहीं, पेपरों के टाइम पे तो ड्राइव करी थी, पहाड़ों पे बड़े टाइम तो नहीं कह सकता, बट पहाड़ों पे अपन लोग ड्राइव करेंगे, आराम से मस्ती मारेंगे। वॉलेट और फोन वगैरह अपन लोगों ने रख लिया, ट्राइपॉड भी रख लिया। तो फटाफट चलते हैं, चल के बढ़िया तरीके से खाना वगैरह पैक करते हैं, फिर खाना अपन लोग घर से लेके जाएंगे एंड निकलते हैं अपनी छोटी सी जर्नी के लिए। वैसे तो अपन लोगों को दूर दूर तक कहीं आसमान में बादल दिख तो रहे नहीं है, बट सीन पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी है भी अपन लोगों को मौसम जो है ना वो बढ़िया मिल सकता है ऊपर, क्योंकि यार देखो पिछले 2-3 दिन मौसम बढ़िया रहा था और पहाड़ों पे अपन लोगों को हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं, सो प्रोबेबिलिटी है। बाकी जैसे भी होएगा, ब्रेकफास्ट का अपन लोगों का बाहर का ही हो रहा है और हमारे मामू और भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो 2 गाड़ियां जाएंगी, फन इज इक्वल टू डबल। शायद से मैं बताना भूल गया था, अरे मैंने खा लिया कुछ, हाँ हल्का फुल्का तो खा ही लिया, तो इसका मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात तो है नहीं। रुमाल ले लिया, पैसे ले लिए, पैसे में वॉलेट में पैसे ले लिए, ये हो गया, ट्राइपॉड हो गया, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो फटाफट इस प्यारी सी जर्नी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी हम जितना लेट करेंगे ना उतनी ज़्यादा धूप बढ़ती रहेगी, उतनी ज़्यादा नज़ारे की ऐसी चीज़ ऐसी होती रहेगी। सेट ही नहीं हो रहा। मैंने ना अपनी लाइफ में शायद 2 मिनट यहाँ पे सेट हो जाएगा,
पहली बार, हाँ पहली शायद से क्या सही में जेन्युइनली पहली बार i10 के सिवा कोई और गाड़ी पहाड़ पे चढ़ाई, जो कि थी मेरे मामू की ऑल्टो। एंड कसम से बता रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा मजा आया, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था, इतना खतरनाक कहने की हद नहीं। और देखिए मामू को एक यहाँ पे वो एरियल व्यू मतलब पॉइंट पता था जहाँ से व्यू काफी ज्यादा अच्छा था, तो वहां पे तो अपन लोग हो लिए। अब फटाफट चलते हैं, चल के देखते हैं, या तो अब सीधा घर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हल्के फुल्के स्नैक्स तो अपन लोगों ने खा ही लिए, या अपन लोग भाई अब कहीं बढ़िया जगह पे रुकेंगे, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करेंगे। मन तो ये कि कहीं बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हो जाए, पर वो जैसे भी होगा तुम लोग देख ही लोगे। बट अभी पहले यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी निकलते हैं, क्योंकि अब तो ऑल्टो की कमान हमारे पास आ रखी है भाई। वैसे अनएक्सपेक्टेडली कहाँ से क्या, कैसे, कब, कैसे, क्या, कहाँ से क्या, कैसे क्या प्लान बन जाए भाई पता ही नहीं लगता। मतलब एक घंटे पहले अपन लोग पहाड़ों की वादियों में थे, हिमाचल की मतलब मोरनी की, हरियाणा की सॉरी, गोद में थे। एंड अभी एक घंटे बाद वी हैड द बेस्ट कुल्चा ऑफ आवर लाइफ। यहीं पर MHC मोड नहीं MDC के पास है, MCDC में बोला भी जा रहा है, MDC में ब्रदर्स कुल्चा हब। एंड भाई वहाँ के अपन लोगों ने कुलचे खाए मस्त, एकदम पेट भर के, जिसे कहते हैं चुम्बेश्वर नज़ारा आ गया। अच्छा अच्छा सौंफ भी पैक कर ली, हाँ एक कप में सौंफ पैक। बट भाई एक छोटी दिक्कत है, अपन लोगों को गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करनी पड़ी, बट अपन लोग अभी वॉक करते करते पहुँच चुके हैं। अब तीन बाकी सारे घर वाले यहाँ पे खड़े हैं, पप्पा मतलब हमारे वाली गाड़ी पप्पा लेके आ रहे हैं, मम्मू वाली गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ। तो फटाफट चलते हैं, चल के बढ़िया तरीके से उनको घर वालों को पिक करते हैं, एंड फिर भाई अब घर चलते हैं। और कुछ खाने पीने की, कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही अब तो, बस ये है आधा घंटा, बस आधा घंटा है मेरे पास, आधे घंटे में मैं सोने चला जाऊंगा भाई। एक बार तो लगता है कि मैं ना बाहर का खा के गलती कर देता हूँ। मतलब वो कुलचा इतना ज्यादा हैवी था ना, इतना ज्यादा, मतलब अभी मैंने डिनर करा तो मैंने सिर्फ एक परौंठी खाई या डेढ़, पता नहीं आइडिया नहीं, पर वो कुलचा इतना ज़्यादा हैवी था ना, मतलब मेरी अभी तक की ना अगर मैं रात को खाना ना भी खाता है ना तो कोई दिक्कत ना होती। बट क्या करें भाई, मम्मी ने इतना बढ़िया पनीर बना रखा था तो खाना तो पड़ता ही है। वैसे भी इट्स ऑलमोस्ट 9:10 इन द इवनिंग, एंड अभी जो आप लोग बात दिखाने खुशी बचा, तुम लोग बताने खुशी बचा, तो इस रोड पर करते हैं आज वीडियो को एंड। होप तुम आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नई एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।